काफी आयु से दुनिया से। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, अपनी जात की, जज्बात की, जरूरियात की कुर्बानी देकर लोगों को नफा पहुंचाते हैं। उनमें से एक हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे। मेरी जिंदगी के कोई 50 साल उनके साथ गुजरे। मैंने और अल्लाह ने मुझे तारीफ पढ़ने का भी मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम लोग तारीख में ऐसे पैदा हुए और आइंदा भी ऐसे ही है कि कम लोग ऐसे होंगे जो इस तरह अपने आप को अल्लाह उसके रसूल पर फना करके लोगों के नफे का सामान बने। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल, हर पाई, हर लम्हा अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ कर दिया था और इसी में उनकी जान गई। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि हाजी साहब की नमाज जनाजा मौलाना नजर रहमान पढ़ाएंगे? जी, नमाज जनाजा मौलाना नजर रहमान साहब पढ़ाएंगे। तो हाजी साहब की जगह पे अभी कोई फैसला हो गया? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं। थोड़ा सा इसमें पूरा फिक्र ही कर लेंगे कितने जनाजा होगा, कौन पढ़ाएंगे पूरी। जी इंशाल्लाह, मगरब की नमाज के बाद जनाजे का फैसला हुआ है और जनाजा हमारे मरकज के उनके बाद सबसे मोहतरम बुजुर्ग हजरत मौलाना